यही चाहती थी कि हमारे भाई के साथ जैसा हुआ है तो वो निर्दोष जो दोषी हैं उन्हें जो है तो दंड दिया जाए। प्रशासन ने निश्चित आश्वासन दिया कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो मदद हो सकती है, ये मुख्यमंत्री राहत कोष से पीड़ित परिवार को मदद दिलाने की कोशिश की जाएगी। निश्चित आश्वासन में कहा कि एक हफ्ते के अंदर मुख्यमंत्री राहत कोष से मदद उपलब्ध करा देंगे। ये हत्या है कि आत्महत्या है ये जांच का विषय है, पर निसंदेह इस पर पुलिस प्रथम दृष्टया दोषी है और उसमें संदेह के दायरे पर भी है, तो पुलिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इंस्पेक्टर को कम से कम उस पर 300 का मुकदमा और उसको निलंबित, पूरे थाना को निलंबित करना चाहिए। इसके बाद उच्च स्तरीय जाँच बैठा कर उसकी जाँच कराने की आवश्यकता है। अभी मेरी मुआवजे के संबंध में कोई बात किसी से नहीं हुई है, किसी अधिकारी से, इसलिए मैं उस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ, परंतु निश्चित है कि पीड़ित परिवार को सरकार के द्वारा मदद मिलनी चाहिए और मिलेगी भी। घर की स्थितियों को देख करके काफ़ी गरीब परिवार है और दोनों के बीच काफ़ी रंजिश का मामला था, तो मुख्यमंत्री जी का अध्यक्ष को उससे मिलने के बाद सहायता मिलती है, हम लोग अपना प्रयास करें अधिक से अधिक सहायता मिल जाए। इसलिए प्राप्ति पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत 18 से 60 वर्ष के लोग उम्र के लोगों को 1000 रुपये के रूप में आर्थिक सहायता योजना दी जाती है, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना दी जाती है, उसके अंतर्गत हम लोग विधवा पेंशन जो है सुविधाएँ हैं विधवा पेंशन बनाया गया है। मांग ऐसी जैसी कोई नहीं थी, ये तो प्रशासन के द्वारा आर्थिक गरीबी को देखते हुए ये कोई लेन देन या इस तरह की बातें नहीं है। ये तो क्योंकि प्रोडक्ट की काफ़ी आप भी देख सकते हैं, घर के स्थिति बहुत खराब है, तो ये सहानुभूतिपूर्वक मुख्यमंत्री जो है प्रावधान को से और सरकार के द्वारा ऐसे परिवार का जो तनाव व्यक्ति होता है उसको ये सरकारी सहायता अनुमान नहीं कहीं उसी के अंतर्गत मुख्यमंत्री को प्रयास होगा।